दोस्तों, जैसा कि आपने दो पार्ट देख लिया माता वैष्णो देवी यात्रा के, अब ये तीसरा पार्ट है अर्ध कुमारी से माँ वैष्णो देवी के दरबार की तरफ हम फिर चल पड़े। ये नया रास्ता जो पीछे साइड में आपको दिख रहा है, ये जहाँ साइड दिख रहा है ये पुराने वाला रास्ता। यहाँ से हमने रेस्ट करके खाना पीना खा के अपनी यात्रा स्टार्ट कर दिया। लगभग दोपहर के 1 बजे के करीब हो चुका है, तो लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं। 5 किलोमीटर की भवन की यात्रा और करनी है। और ये आप आसमान में बादल देख सकते हो, बीच बीच में धूप आ रही है, लेकिन यहाँ पर सर्दी का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि यात्रा पैदल करते हुए पहाड़ी एरिया में एनर्जी शरीर में ज़्यादा हो जाती है, तो सर्दी नहीं लग रही। तो यात्रीगण, ये देखो, ये अर्धकुंवारी मेन का रास्ता है, जो जहाँ माता गर्भगृह में रही थी। तो इस प्रकार अब यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह यात्रा में तो वीडियो को फिर यात्रा का मज़ा नहीं रहता, इसलिए जहाँ रेस्ट किया वहाँ थोड़ी थोड़ी वीडियो आपके लिए शूट कर ली। और ये सभी आप देख सकते हो, ये देखो ऊपर से माँ अर्धकुमारी के दर्शन करके लोग आ रहे हैं। अर्धकुमारी की बुकिंग करनी पड़ती है, तो सुबह बुकिंग करी तो शाम अगले दिन भी कई बार नंबर आता है। और यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, लेकिन अब जैसे कि जो आप जानते हो कि दिसंबर में रश बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण यहाँ नए साल के पास बुकिंग बंद कर दी जाती है। और ये आपको अर्धकुमारी ऊपर वाला रास्ता, सीधा ही आप पहाड़ों की खूबसूरती साथ में देख सकते हो। ये अब नया रास्ता जो बना है, ये अर्धकुमारी, और सीधा आपको जाएगा पुराने रास्ते। और ये नीचे से रास्ता आपको देख लिया। और ये कुछ मोमेंट फिर बहुत अद्भुत और सुंदर थी यात्रा के दौरान, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि एक साथ इतनी लंबी चढ़ाई हर एक के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जो रेस्ट मोड में आ जाए तो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, और जब खेलते कूदते रहे तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये रास्ता घूमते घूमते बहुत ऊपर तक जाता है माता वैष्णो दरबार। और ये अब आप देख सकते हो रास्ते की ब्यूटी भी, पहाड़ों का और नेचर का वातावरण तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है। ये कुछ और दृश्य, ये देखो कितना अद्भुत नज़ारा आसमान का भी है। और ये रास्ते का ऐसा मौसम सर्दियों का था, लेकिन यहाँ गर्मियों की फीलिंग पूरी हो रही थी। थकावट भी काफ़ी महसूस हो जाती है, लेकिन बीच बीच में रास्ते में सफर करते हुए सभी यात्रा जय माता दी बोलते हुए माता की शक्ति से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। स्टार्टिंग में तो लगता है इतनी लंबी 13 किलोमीटर कौन पैदल जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत इंजॉय आता। और आप चैनल पे न्यू हो तो ज्वाइन भी कर ले, ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहूँ, लेकिन बेल बटन ज़रूर दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये आप देख सकते हो इतना रास्ता हमारा तय करना और पेंडिंग रह गया। देखने में तो पास सा लगता है, लेकिन ये काफ़ी दूर पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी पे एक तो पूरी स्पीड पे चल नहीं सकते, दूसरा कि थकावट भी बहुत हो जाती है। ये ऊपर फिर भैरव की चोटी पे भी जाना है, और हमें सबसे बड़ी समस्या है कि हम सोचते हैं कि हम आरती से पहले वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि आरती में 1 घंटे माता के दर्शन सभी लाइन रोक दी जाती है, फिर 1 घंटे के बाद लाइन खोली जाती है आरती के बाद। ये देखो यहाँ जंगल जो रियल है, ये जंगली पशु आपको नज़र भी आ रहा होगा, क्लोजअप से देख आता हूँ आपको, दूर से देखो ये रहा। तो ऐसी अद्भुत घटना आ तो मैं 3-4 बार लिया, लेकिन पहली बार ही कोई जंगली पशु हमें यहाँ कैमरे में कैद कर पाए। कैसा है ये, क्या नाम है, आप अगर पहचानते हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। और भी ऐसा अद्भुत नज़ारे यहाँ हैं, लेकिन वही बात होती है, कई बार कैमरे में कैच नहीं होता, या कभी हम कैमरा निकालते हैं तो वो
पशु निकल जाता है। ये अद्भुत दृश्य आप देख सकते हो, माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों से इतनी सुंदर और अच्छा लुक नज़र आता है। मौसम भी और वृक्ष भी, और यहाँ तो वातावरण वैसे भी भक्ति में होने के कारण बहुत मन शांत और पवित्र हो जाता है। और यात्रा के दौरान पैदल यात्रा करते जो शरीर में कष्ट रोग दर्द है तो वो भी लगभग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे यात्री आपको मिलते हैं कि आप ये सोचते हैं कि जब ये यात्रा माता पूरी करके माता का दर्शन कर लेगा तो हम तो इनसे बहुत ठीक है। और ये देखो बच्चे हैं, थोड़ा स्पीड में भी चलते हैं, ये पुरुष आदमी भी, हर प्रकार के यहाँ आपको यात्री यानी श्रद्धालु आपको मिलेंगे जो माता का दर्शन करने को आ रहे हैं। और ये देखो कुछ पालकी में जो सफ़र करने लायक नहीं है, तो ये देखो कितनी स्पीड से इनको देख के बड़ा हौसला आता है। और आजकल तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, ये लगा लो कि अभी ऊपर आपको वो भी दिखाऊंगा और इसके नाइट व्यू भी दिखाऊंगा। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, या आप भी कोई माता वैष्णो देवी की रोचक बात जानते हो तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में करना। ये देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी पैदल यात्रा करते हैं तो इनको देख के बड़ा मन को हौसला मिलता है। तो आप भी कभी आए तो नए रास्ते को ही आए, नया रास्ता साफ सुथरा भी है और चढ़ाई भी कम है, थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा आपको यहाँ मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ हमेशा जब श्रद्धा और भक्ति होती है ना, यात्रा कोई मुश्किल नहीं होती। धीरे धीरे हर यात्री अपनी मंजिल पर यानी हर श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुँच ही जाता है। ये आपको पीछे नज़ारा देखो, हर प्रकार के श्रद्धालु आपको यहाँ मिलेंगे। माता की शक्ति का अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। जो 10-20 कदम चलने में भी दिक्कत महसूस करता है वो यहाँ 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के माता के दरबार में चल जाता है। बाकी अब तो बहुत सुविधा हो गई है, बैरों से टेम्पल ट्रेन भी चलती है, वैन अर्धकुमारी से वैन भी मिल जाती है, और आपको पालकी घोड़ा हर प्रकार की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। कुछ आने वाले सालों में शायद 2024 में आपको नीचे से भी टेम्पल ट्रेन मिल जाए, वहाँ से आप बैठे दरबार में। हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको है, बीच में मैंने हेलीकॉप्टर आपको दिखाया भी था। और ये यात्रा के कुल फल, ये फिर मौसम का सुहाना यहाँ का लुक आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो इतना सुंदर और भव्य नज़ारा नज़र आता है, और नेचर यहाँ की वायु लेवल बहुत शुद्ध होता, और सांस जैसे चढ़ाई पर चढ़ जाते हैं तो सांस भी पूरा लेना की आदत पड़ जाती है, और बहुत ही आनंदमय और सुखमय यात्रा ये होती है। तो आप भी ज़रूर करें ऐसी यात्रा, तो इससे शरीर भी फिट होता है, और यहाँ ऐसे ऐसे श्रद्धालु आपको नज़र आएंगे जो कि आपकी यात्रा को और आसान बना देते हैं। तो उनको जब भी ये यात्रा कर जाएगा तो आपको, आप तो बहुत हष्ट पुष्ट है, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये मौसम बादल, ये आपको हेलीकॉप्टर का जिक्र कर रहा है जो यहाँ से आके आपको माता के नीचे से बिना अगर आप पर चलने में असमर्थता तो आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो ये नीचे से आपको लगभग आधा किलोमीटर दूर ही छोड़ देगा, तो वो यात्रा तो वैसे भी हो जाती है। तो ये हेलीकॉप्टर का दृश्य मैंने आपको दिखा दिया, जो मैं पहले भी आपको ये बात कर ही रहा था, ये माता का भवन। अब हम इतनी दूर रह गए हैं, वो क्या है कि गोल गोल घूमता है इसलिए पास नज़र आते हैं। लगभग हम उम्मीद है कि आरती से पहले माता के भवन में पहुँच जाएंगे और माता के दर्शन हो जाएंगे। बाकी जैसी माता की इच्छा होगी कि आरती से पहले दर्शन देने हैं क्या बाद में, वो उसकी इच्छा पे ही डिपेंड है। और दर्शन के लिए भी माता का नया फुट वे तैयार किया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, यानी आपको सीधे भैरव वाले रास्ते से सीधे एक नया रास्ता दे दिया है, तो वहाँ से आप माता का दर्शन, ये माता का भवन
के आप दर्शन करो, बोलो सभी जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी, जय माँ दुर्गा, जय माँ शेरा वाली, सभी प्रेम से बोलो जय माता दी। कमेंट में भी आप जय माता दी ही लिखना। और ये भव्य नज़ारा माता वैष्णो देवी का आपको कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना। तो ये पर्वत पहाड़ियाँ और नेचर आप देख ही सकते हो यहाँ का, और दरबार की भक्ति और श्रद्धा भावना तो यहाँ आप अलग ही महसूस करोगे। आपका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है। और जैसे ही यात्रा ये लगा लो 13 किलोमीटर की यात्रा के बाद आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन यहाँ जब 13 किलोमीटर के बाद माता के भवन के पास हम स्नान करके पुण्य दर्शन के लिए रेडी होते हैं तो ऐसी एनर्जी आती है। तो 10-12 किलोमीटर की चढ़ाई बिल्कुल ऐसा भूल जाते हैं कि हम इतना लंबा पहाड़ी पे चढ़ के आया है। तो माता की शक्ति का अद्भुत उदाहरण यहाँ आपको नज़र आएगा। और ये पर्वत इनको देख के भी मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। आत्मचिंतन मधुमगर हिल स्टेशन की यात्रा भी होगी, माता के दर्शन भी हो गए। तो ये श्रद्धालुओं का जोश जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का जोश भी रफ्तार पकड़ता है, क्योंकि माता के दर्शन की लालसा होती ही ऐसी है। तो ये पालकी वाले रेस्ट करते हुए, क्योंकि ये भी यहाँ पर देखो खुद आने में तो आदमी बहुत जोर लगता है, लेकिन जब दूसरे को साथ बैठा के कंधे पे लेकर आते तो ये भी बहुत मेहनत का कार्य करते हैं। और ये अद्भुत नज़ारा आप देख ही सकते हो। और ये श्रद्धालु अपना रेस्ट करते हुए आगे जाते हुए कि दरबार में शिखर पहुंच जाए। देखो हर प्रकार का श्रद्धालु आपको यहाँ नज़र आएगा, छोटा बड़ा बूढ़ा और जवान। और ये दृश्य साथ के साथ आप देखो कितना सुंदर है। यहाँ वैसे भी मन प्रकृति के नज़दीक जाने से तो हमारे सभी देवी देवता ने एक संदेश ये भी दिया है कि आप प्रकृति के नज़दीक रहो तो उतना ही आप स्वस्थ और मस्त रहोगे। तो ये देखें नज़ारा फिर आपको दिखा रहा हूँ। दरबार अब कुछ ही दूर रह गया, तो अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए आपको अंदर का दृश्य तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन उसके आसपास का दृश्य बाहर से भवन का दृश्य है। तो भवन के दर्शन से भी काफ़ी सुकून और पुण्य मिलता है। ये पहुँच गए आपको भवन का दृश्य दिखा रहा हूँ। तो ये भवन का दृश्य आप देख सकते हो कितना मनमोहन और सुंदर है, और पब्लिक यहाँ और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं माता के दर्शन करने को। तो स्नान में भी लगभग आध घंटे से ऊपर का बाद नंबर आया हमारा। और ये जो आप ऊपर वाला जो ट्रेंड सीज देख रहे हो ये लाइटिंग में, ये नया फुट वे बनाया है दर्शन के लिए। ये जहाँ भैरव बाबा ऊपर जाते हैं उसके लिए, वहाँ से सीधा ही दर्शन के लिए ऊपर बना दिया। नीचे तो वापसी की खाली एंट्री है ताकि कोई भगदड़ ना मचे, मतलब वन वे कर दिया गया। और माता का भवन का नज़ारा ये देखो, और लाइन भी आपके पास तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ लगा लो आप। अगली वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते, वीडियो देखने के लिए